हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स निकालना सीखेंगे एंड डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। व्हाट आर डिटरमिनेंट्स एंड हाउ वी विल फाइंड डिटरमिनेंट्स, उससे पहले एक मैट्रिक्स क्या होती है वो जानते हैं। मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज द सेट ऑफ नंबर्स। क्या होते हैं? एम एन, मैंने नंबर्स ले लिए। एम एन रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। सो मैट्रिक्स क्या होती है? सेट ऑफ नंबर्स, या तो रियल नंबर्स हो सकते हैं या इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या होता है? एरे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो हम अरेंज करते हैं कॉलम्स में या रोज में। ये मेरे क्या है? कॉलम्स हैं और ये मेरे क्या है? रोज हैं। सो एरे क्या हो गया? सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं जो रोज में और कॉलम्स में अरेंज्ड किए हुए हैं। रेक्टेंगुलर एरे क्यों बोला है? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये एम क्रॉस एन है। इसको कैसे रीड करेंगे हम? एम बाय एन मैट्रिक्स। यहाँ पे जो पहले लिखा जाता है एम, वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज। रोज यहाँ पे कितनी है? 1, 2 अप टू सो ऑन अप टू एन, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, एन कॉलम। सेकंड में जो लिखा जाता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये मैट्रिक्स क्या हो गई? एम बाय एम मैट्रिक्स हो गई। एन नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। सो अगर हमारा एम इक्वल्स टू एन हो जाए, अगर m इक्वल्स टू n हो जाए तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। और रेक्टेंगुलर एरे इसलिए कहा गया है क्योंकि m n से बड़ा भी हो सकता है, m n से छोटा भी हो सकता है। सो इट इज लाइक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए। सो एम इक्वल्स टू एन हो जाएगा, इट मीन्स दैट ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो थी मैट्रिक्स की बात। मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं? कॉलम्स एंड रोज में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, चाहे वो रियल नंबर्स हो या इमेजिनरी नंबर्स हो, और उसको ऐसे क्लोज ब्रैकेट से एनक्लोज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसका रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, मींस m इक्वल्स टू n हो जाए। सो ये वाली मैट्रिक्स देखिए, इसमें रोज कितनी है? 2 और कॉलम्स कितने हैं? 2। सो ये 2x2 मैट्रिक्स है, मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2। सो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले चेक करना स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नंबर होगा, जितने रोज और कॉलम्स होंगे वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सो ये 2x2 को हम कैसे रीड करेंगे? 2x2 मैट्रिक्स, एंड ऑर्डर क्या होगा इसका? 2। एंड डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? मॉडुलस लगा देंगे उस नंबर पे। बी मैट्रिक्स है, सो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स टू, इसमें भी हम मॉडुलस का साइन लगाएंगे, a11, a21, a12, a22। जो फर्स्ट नंबर होता है 1 मींस ये रो है, और सेकंड नंबर मींस ये कॉलम है, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। a21 मींस 2 है, तो मींस पहले हम रो को रीड करते हैं, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। a12 का मतलब क्या हुआ? 1 means first row और यहाँ पे 2 है, means second column। ये first row के second column का element है। A22 means second row second column का element है, ठीक है। So इसका determinant हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। A11 into diagonally हम multiply करेंगे, A11 से start करेंगे, first element से A11 into A22 minus A12 into A21, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, फिर माइनस दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट। ये हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं।
अगर मेरी कोई सी मैट्रिक्स है 1 0 2 5, ये मेरी कोई सी मैट्रिक्स है, ठीक है. सो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट निकालना है मींस मुझे मॉडुलस ऑफ सी निकालना है. सो मॉडुलस ऑफ सी क्या होगा, 1 × 5 डायगनली मल्टीप्लाई करो 1 × 5 माइनस 2 × 0 1 × 5 क्या होता है 5 माइनस 2 × 0 क्या होता है 0. सो ये क्या हो गया 5. सो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ गया सी का 5. सो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ और एक्सप्रेशन. डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो एक नंबर आएगा या कोई एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है. यहाँ पे नंबर आ रहा है 5, सो डिटर्मिनेंट हो गया 5, ठीक है. अब हम देखेंगे, ये तो बात हो गई 2 by 2 मैट्रिक्स की, मीन्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अगर हमें मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 निकालना हो, मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3. सो ये क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3. सो ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है, ऑर्डर 3 की. सो इसका हम कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट वो देखते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट लगा दो, a11, a21, a31, a12, a22, a32, a13, a23, a33, ठीक है. सो 3 × 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के 6 तरीके हैं. पहला तरीका, आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है. अभी मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल के बताती हूँ. सेम हम सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना है -1 × a11 लिख लो, जो एलिमेंट में ले रही हूँ. जो हमने ये एलिमेंट लिखा है इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कौन सा रो कौन से कॉलम का है वो इसकी पार में चला जाएगा. ये एलिमेंट कौन सी रो का है, 1 मीन्स फर्स्ट का, कॉलम क्या है इसका 1, सो 1 + 1 आ गया, ठीक है. समझ रहे हो, मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, a11 कर रही हूँ. शुरू से बताते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिख लो a11, इसकी रो कौन सी है 1, कॉलम कौन सा है 1, सो -1 की पार क्या हो जाएगा 1 + 1, कॉलम प्लस रो, ठीक है. अब जो आपने ये एलिमेंट लिखा है उसके रिस्पेक्ट में जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसको हटा दीजिए, बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए. बाकी क्या बचे हैं, डिटर्मिनेंट लगाओ, बाकी क्या बचे हैं मेरे, a22 a32 a23 a33, लिख लिया मैंने, ठीक है. प्लस आप, हम क्योंकि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लेंगे. फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, a12 है, ये वाला लिया है मैंने a12, ठीक है. सो -1 की पार क्या हो जाएगी 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. अब सेम प्रोसीजर, इसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम है और जो रो है उसको हटा दो और बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो. बाकी क्या बचे, सीरियलिटी से लिखना है, पहले ये उसके बाद ये, a21 a31 a23 a33, लिख लिया. प्लस अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लो. फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मेरा क्या है, a13.
सो ए 1 3 लिखो और माइनस 1 पार क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, अब ये वाला एलिमेंट लिया है सो इसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम है जो रो है वो हटा दीजिए, बाकी के एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए. सो क्या बचा मेरा ए 2 1 ए 3 1 ए 2 2 ए 3 2. ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है 1 इनटू ए 1 1. ठीक है, आप क्या करेंगे ये जो डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व कर लो. 2 by 2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं अभी पता बताया था, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो ये क्या हो गया ए 2 2 इनटू ए 3 3 माइनस ए 2 3 इनटू ए 3 2. ठीक है, अब देखो प्लस माइनस 1 क्यूब क्या होता है माइनस 1, सो माइनस 1 आ गया इनटू ए 1 2. ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो ये क्या हो गया ए 2 1 इनटू ए 3 3 माइनस ए 2 3 इनटू ए 3 1 प्लस माइनस 1 पार 4 क्या होता है 1, सो 1 इनटू ए 1 3. और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया ए 2 1 इनटू ए 3 2 माइनस ए 2 2 इनटू ए 3 1. सो इसको सॉल्व करके जो आपका नंबर जो आपकी एक्सप्रेशन आएगा वो 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा. एक एग्जांपल से समझते हैं. सो ये मैंने 3x3 मैट्रिक्स ली है. ठीक है, अब ये देखिए जहां पे भी आपका जिस भी मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है अगर 0 0 आ रही है तो आप वही कॉलम वही रोज प्रेफर कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालूं तो मुझे ये लेके सारे कंसीडर तीनों एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों जीरो हैं. ठीक है, ये दोनों जीरो हैं मींस मैं वो एलिमेंट लेके जीरो इनटू समथिंग करूंगी तो जीरो हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. तो जिस भी रो जिस भी कॉलम में आपको जीरो दिख रहे हैं ज्यादा जीरो दिख रहे हैं या एक जीरो दिख रहा है, सपोज करो यहाँ पे जीरो नहीं होता सो मैं इस रो के रिस्पेक्ट में निकाल सकती थी या इस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकती थी, पर क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो अगर मैं इस कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा. चलो अब हम इस कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालेंगे. सो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 1 4 2 3 1 4 0 0. डिटरमिनेंट को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है. ठीक है, सो अब देखिए मैं लास्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालूंगी थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में. सो वो मैं कैसे निकालूंगी वो देखिए, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 माइनस 1 पार. अब जो 4 है ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है सो 1 प्लस और 4 कौन से कॉलम में है थर्ड कॉलम में है सो 1 प्लस 3 हो गया. अब मुझे क्या करना है, इस 4 की ये वाली रो हटा देनी है, ये वाला कॉलम हटा देना है, बाकी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है. सो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस 1 4 3 1. ठीक है, हो गया. अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेना है. सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है 0, सो प्लस 0. वैसे तो 0 इनटू समथिंग करेंगे 0 ही होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी. ये 0 है, इसकी रो कौन सी है, सेकंड रो में है ये माइनस 1 पार्ट 2 प्लस और ये कौन से कॉलम में है थर्ड कॉलम में है. ये वाली रो हटा दो, ये वाला कॉलम हटा दो. सो क्या बचे एलिमेंट्स 1 4 2 1 ठीक है प्लस. अब हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेना है क्योंकि हम कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट क्या है 0, सो 0 माइनस 1 की पावर क्या होगा, इसकी रो कौन सी रो में है ये एलिमेंट थर्ड रो में है 3 प्लस कौन सा कॉलम है इसका थर्ड कॉलम है 3 प्लस 3. मैट्रिक्स क्या लेंगे, इसकी रो हटा दो
और इसका कॉलम हटा दो, क्या एलिमेंट्स बचे? 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2, 3, 1 माइनस 1, 2, 3, डन इक्वल्स टू, अब जस्ट सॉल्व करना है, माइनस वन की पावर 4 क्या होता है 1, सो 1 इंटू 4, और ये मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको पता है, माइनस 1 इंटू 1 डायगनली करते हैं, माइनस 1 इंटू 1, माइनस नेगेटिव का साइन आ जाता है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, माइनस 1 पावर 5 क्या होता है माइनस 1, माइनस 1 इंटू 0 0 होता है, और डिटर्मिनेंट क्या हो गया 1 माइनस 8, ठीक है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 0 है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो प्लस 0, ये भी 0 हो गया, इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 माइनस 12, सो ये क्या हो गया 4 इंटू माइनस 13, सो ये क्या आता है -52, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई -52, अगर यहाँ पे 0 0 की जगह कोई और वैल्यूज होती तो टिपिकल होता सॉल्व करना, अगर हम ये वाला लेते तो हमें पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता, वैल्यू यही आती, इसलिए आप प्रेफर करना कि जो जिस रो में 0 है ज्यादा 0 है या किसी कॉलम में ज्यादा 0 है आप उसके रिस्पेक्ट से निकालो, देखो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला एलिमेंट ही तो सॉल्व करना था, यहाँ पे प्लस 0 आ गया, ये कंप्लीट 0 बन गया, ये कंप्लीट 0 बन गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स में पूरी एक रो 0 है या पूरा एक कॉलम 0 है, सो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, सपोज इसी मैट्रिक्स में अगर 4 की जगह 0 होता, मींस एक कंप्लीट कॉलम 0 हो गया, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता 0, क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाता 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, सो 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, या फिर कोई भी एक रो 0 आ जाए या कोई भी एक कॉलम 0 आ जाए, मींस कम से कम अगर एक रो और अगर एक कॉलम 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जानने से हम डिटर्मिनेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कम टाइम में निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, अगर हम रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज की फॉर्म में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 3x3 मैट्रिक्स ले रही हूँ, ए मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरी ए मैट्रिक्स है, मुझे ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालूं ए का, सपोज वो कोई भी नंबर आ रहा है एक्स, ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दूं, मीन्स रोज को कॉलम्स की फॉर्म में लिख लूं और कॉलम्स को रोज की फॉर्म में लिख लूं, सो मेरी क्या बनेगी, ये रो थी फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना लेती हूँ मैं ए बी सी, ये मेरी सेकंड कॉलम था इसको मैं सेकंड रो बना रही हूँ डी ई एफ, ये मेरा थर्ड कॉलम था इसको मैं थर्ड रो बना रही हूँ जी एच आई, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, रोज रोज जो थी वो कॉलम्स की में आ गई और जो कॉलम्स थे वो रोज की फॉर्म में आ गए, सो इसका डिटर्मिनेंट अगर एक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट भी एक्स होगा, मीन्स अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे सो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कह रहा था कि रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज की फॉर्म में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर ये मेरी मैट्रिक्स है इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट मेरा एक्स आ रहा है, अगर मैं इस मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज इंटरचेंज कर दूं या कोई भी दो कॉलम्स, मैं देखो फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज कर रही हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड की जगह लिख रही हूँ, सेकंड को फर्स्ट की जगह लिख रही हूँ बी ई एच ए डी जी थर्ड एज इट इज, ठीक है। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज कर दी, सो इसका अगर डिटर्मिनेंट एक्स है सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा माइनस एक्स, ठीक है, मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ऐसे ही अगर मैं कॉलम चेंज करूं, सपोज मैं लास्ट टू कॉलम्स चेंज कर रही हूं, ये जी एच आई और इसको मैं यहां लेके आ रही हूं डी ई एफ, लास्ट के दो कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए, सो इसका डिटर्मिनेंट अगर एक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं सो उसके डिटर्मिनेंट में साइन चेंज हो जाता है,
पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारी कोई भी दो रोज आइडेंटिकल है या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी बी मैट्रिक्स लेती हूँ, ए ए ए बी सी ई ए ए ए, इसमें क्या है फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है मेरा, सेम एलिमेंट्स हैं, सो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं ये क्या होगा जीरो। या फिर मैं दूसरी मैट्रिक्स ले लूं ए ए ए बी बी ए ए ए ए, इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट रो और लास्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं सारे वो ए हैं, आइडेंटिकल हैं, सो इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी, सपोज मैंने ये मैट्रिक्स ली है 3x3 मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये कॉलम्स के एलिमेंट्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। सपोज इसका डिटर्मिनेंट आया है मेरा x, x कोई भी नंबर है, ठीक है, x आया इसका डिटर्मिनेंट। अगर मैं किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैं k कोई भी स्केलर ले रही हूँ, किसी भी पूरी कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं या किसी भी पूरी रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैंने क्या किया फर्स्ट रो को के कोई भी स्केलर, कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 0, 1, 2, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को। सो अगर इसका डिटर्मिनेंट एक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जिस स्केलर से उस रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई किया है, सो के इंटू एक्स, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है, मैंने इसको के से मल्टीप्लाई किया है, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा के इंटू एक्स। ऐसे ही अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए पूछा जाए, सपोज 3, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ठीक है, आप देखो ये जो कॉलम है इसका डिटरमिनेंट सपोज कुछ भी आ रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी आ रहा है, सपोज इसका डिटरमिनेंट वाई आ रहा है, वाई कोई भी नंबर है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो। या इजी तरीका क्या है, आप आपको दिख रहा है कि इस कॉलम में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, सो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इस कॉलम में हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर लिख लेती हूँ, सो क्या बचा 1, 2, 3, मैंने इस कॉलम से 3 कॉमन ले लिया, 3 1 3, 2 6, 3 9, सो ये आ गया, बाकी की चीजें एज इट इज। सो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई आएगी, ठीक है, या तो इस पूरी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लो, या अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो ताकि आपके अंदर की कैलकुलेशंस इजी हो जाए, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि फर्स्ट कॉलम में मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, सो मैंने कॉमन लेके इसको सॉल्व किया, सो इसका डिटर्मिनेंट भी वही आएगा जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक चीज और देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, देखो ये मेरी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट सपोज एक्स आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया मैट्रिक्स को, अब मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ, इस कॉलम में से मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, सो मैंने ये 3 कॉमन लिया, मेरा क्या बना 3, 1, 2, 3, मैंने इस कॉलम में से 3 कॉमन लिया, सो मेरा 1, 2, 3 आ गया, बाकी की चीजें एज इट इज। अब एक और चीज देखिए, कॉमन लेने के बाद जो मेरा फर्स्ट कॉलम और जो लास्ट कॉलम है उसके एलिमेंट सेम आ गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम सेम आ गया, राइट। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपकी कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। सो ये क्या हो गया 3 × 0, ठीक है, क्लियर। सो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो भी क्या होगा जीरो। सो चाहे इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, देखो इसका डिटरमिनेंट आपको कंप्लीट फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है फर्स्ट और लास्ट कॉलम जो है आइडेंटिकल है, और मुझे पता है थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो 3 × 0 क्या आ गया मेरा जीरो। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई भी रो या किसी भी कॉलम में हम कुछ क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे फर्स्ट रो थी मेरी A1, A2, A3, इसमें मैंने λ1, λ2, λ3 ऐड कर दिया, कोई भी नंबर है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, λ1, λ2, λ3, सो ये मेरा क्या बन गया A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3, ये मेरी फर्स्ट रो आ गई,
ठीक है. सो मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालू, सपोज इसका डिटर्मिनेंट जेड आ रहा है, जेड कोई भी नंबर है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालू, या इजी तरीका क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, ए वन ए टू ए थ्री एज इट इज और बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख रही हूँ, प्लस जो एडिशन में क्वांटिटीज है वो अलग लिख लो, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री और बाकी की चीजें एज इट इज. ठीक है, या तो इस कंप्लीट का डिटरमिनेंट निकालो, अगर इस कंप्लीट का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये कुछ ज्यादा क्वांटिटीज आएंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इट्स बेटर कि इसका डिटरमिनेंट निकालो अलग से, इसका डिटरमिनेंट निकालो अलग से और दोनों को ऐड कर दो. जब दोनों को ऐड करोगे तो वो भी क्या आएगा, जो इस कंप्लीट का डिटरमिनेंट आया था. ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी. सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, मैंने कोई मैट्रिक्स ली है, ये ए वन ए टू ए थ्री एलिमेंट्स है जिसके, बी वन बी टू बी थ्री सेकेंड रो के एलिमेंट्स है, सी वन सी टू सी थ्री थर्ड रो के एलिमेंट्स है. सपोज इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है एक्स, अगर इसमें सपोज मैंने फर्स्ट रो में क्या कर रही हूं, मैं फर्स्ट रो में एड कर रही हूं के टाइम्स थर्ड रो. देखो फर्स्ट रो इक्वल्स टू के टाइम्स, ये सिंबल होता है कि फर्स्ट रो में हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं. कौन सा ऑपरेशन है, फर्स्ट रो में हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स प्लस के टाइम्स थर्ड रो के एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं. मींस ये डिटर्मिनेंट है, मैं डिटर्मिनेंट वन से डिनोट कर रही हूँ. फर्स्ट रो में मैं क्या कर रही हूँ, आर वन मीन्स फर्स्ट रो की एलिमेंट प्लस के टाइम्स, के लिख दिया थर्ड रो के एलिमेंट्स. थर्ड रो का क्या एलिमेंट है, सी वन. सेकेंड एलिमेंट पे क्या करना है, फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस के टाइम्स थर्ड रो का एलिमेंट सी टू. थर्ड में क्या करना है, फर्स्ट रो का एलिमेंट प्लस के टाइम्स थर्ड रो का एलिमेंट. ठीक है, बाकी की चीजें एज इट इज. तो अगर इसकी वैल्यू एक्स है और अगर हम ऐसा कोई ऑपरेशंस लगाते हैं किसी भी रो में, ऐड करें हम k टाइम्स कोई दूसरी रो, या किसी भी कॉलम में हम ऐड करें k टाइम्स दूसरा कॉलम. सपोज मैं यहाँ पे क्या करती, c1 में करती c1 प्लस kc2 या kc3, ऐसा अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वैल्यू वही रहती है. देखिए कैसे रहती है, देखो लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको एडिशंस को सेपरेट कर सकते हैं. मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, इनको कैसे लिख सकती हूँ, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री. ठीक है, अब प्लस के सी वन है, प्लस के सी टू है, प्लस के सी थ्री है, इसको एडिशन में लिख लो, प्लस के सी वन के सी टू के सी थ्री. फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी वन सी वन बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री. ठीक है, सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी मेरी, x सपोज की थी प्लस, x प्लस k फर्स्ट रो में कॉमन है सो मैं बाहर निकाल सकती हूँ k. सो ये मेरा क्या बना, c1 b1 c1 c2 b2 c2 c3 b3 c3. ठीक है, आप देखो इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और लास्ट रो के एलिमेंट्स सेम है. जब भी कोई दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो. सो ये क्या आ गया, जीरो. सो k इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो. सो मेरा क्या बचा, सिर्फ x. सो ये मेरा क्या आ गया, k प्लस x प्लस k इंटू जीरो. सो इसलिए अगर मेरे को कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, अगर मैं उसमें ऐसा कोई ऑपरेशन लगा रही हूँ किसी भी रो में, एड कर रही हूं मैं कोई स्केलर k टाइम्स कोई अलग रो, या फिर किसी कॉलम में सपोज c3 कॉलम में मैं एड कर रही हूँ c3 प्लस k टाइम्स c1, तो ऐसे केसेस में जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो ही रहती है. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. बाय.